समापन हो रहा है और सूर्य को अर्घ देकर के उगते हुए आज यहाँ पे जो छठव्रती महिलाएं हैं वो अपने व्रत को संपन्न करेंगी और चार दिन से ये जो पूजा पाठ चले आ रही है पूरे देश भर में आज वो संपन्न होंगी। काफी ज्यादा कड़ा तप है, काफी ज्यादा कड़ी पूजा है और महिलाएं पिछले काफी देर से यहाँ आईटीओ के घाट में उतरी हुई हैं और यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इंतजार है सूर्य देव का, लेकिन सूर्य देव के दर्शन होने में यहाँ पर समय लग रहा है। और यहाँ पर समय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण है और इस वजह से अभी तक के सूर्य के दर्शन नहीं हो पाए हैं। हालांकि रोशनी जरूर हो गई है लेकिन धुंध छाई हुई है, धुंध के बीच में यहाँ पर सूर्य देव के दर्शन हो पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इंतजार बढ़ गया है महिलाओं का और तपस्या बढ़ गई है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और इस ठंड में भी महिलाएं काफी देर से सूर्य देव के इंतजार कर रही हैं ताकि सूर्य देव यहाँ पर जब उत्पन्न होंगे तो उनको अर्घ दे करके वो अपनी पूजा पाठ को संपन्न कर सके। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार जारी है और तमाम तरह से ये लोग प्रसाद लेकर के तैयार होकर के कुमकुम लगा करके मांग भर करके यहाँ पर खड़ी हैं और छठ मैया से प्रार्थना और अर्चना कर रही हैं लंबे सुहाग के लिए। इसलिए यहाँ पर देखिए किस तरह से कुमकुम महिलाएं लगा रही हैं, उससे अपनी मांग भर रही हैं, फिर प्रसाद से गोद भर रही हैं अपनी, और साथ ही साथ लोग भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके प्रसाद पर अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है और बस इंतजार है उस घड़ी की जब सूर्य को अर्घ्य दे करके इस पर्व को संपन्न किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं और आज जो है छठ पर्व का आखिरी दिन है और ऐसे में छठव्रती महिलाएं काफी देर से इंतजार कर रही थीं और कुंड में खड़ी होकर के इंतजार कर रही थी पूजा पाठ और नहान करने के बाद जो है अब जो महिलाएं हैं वो व्रत पूरा कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया गया है यहाँ पर और जयकारी लग रहे हैं यहाँ पर और प्रसाद चढ़ा रही हैं, साथ ही साथ जल में जो है वो स्नान कर रही हैं। और उसके बाद जो है अभी देखिए किस तरह से महिलाएं उनकी जो काफी कठिन तपस्या थी वो यहाँ पर सफल होती नजर आ रही है। दो दिन से निर्जला व्रत रखी हुई थी और छठ पूजा चार दिन से ये पूरा पर्व चल रहा था। कल डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया था और आज उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए सफल होती हुई महिलाओं की ये तपस्या, काफी देर से खड़ी हुई थी लेकिन काफी देर के बाद सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं और दोनों हाथों को जोड़ करके महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं और तांबे के जो पात्र है उससे जो है अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, उसे पकड़ कर जो है जल चढ़ाया जा रहा है सूर्य देवता के सामने, उनको नमन किया जा रहा है और फिर दीप और धूप से सूर्य की पूजा करी जा रही है, उनसे आशीर्वाद मांगा जा रहा है और प्रार्थना करी जा रही है सूर्य देवता से। और साथ ही साथ फल हैं तमाम, अब उन्हीं फल से प्रसाद ग्रहण करके जो व्रत है वो महिलाओं का संपन्न होगा। काफी देर से यहाँ पर इंतजार हो रहा था इसी घड़ी का, काफी ज्यादा उत्साह है यहाँ पर और जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। महिलाओं का जो तप है वो पूरा हो गया है और काफी ज्यादा प्रसन्न है महिलाएं यहाँ पर क्योंकि जो उनकी श्रद्धा है, आस्था है, काफी कठिन और ये तपस्या है अब वो पूर्ण हो चुकी है सूर्य देवता के दर्शन मिलने के बाद। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ इला काजमी, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।